हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हाथों पैरों की नंबनेस यानी कि सुन्न होना या फिर सोना, उसके क्या कारण हैं, उनका बेटर इलाज क्या है। ये मैं सेकंड पार्ट इसका निकाल रही हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको थोड़ा कवर करा था, अभी इसका सेकेंड पार्ट है, इसको फुली कवर किया जा रहा है। हाथों पैरों में, कभी बाजू में ये जो नंबनेस होती है, सुन होता है, इसके कारण क्या है। ऐसे लगता है जैसे कोई पिन लगा रहा हो, इतनी झंझनाहट होती है। कभी हम पलाथी लगा कर बैठे हैं और हम जब उठने लगते हैं तो हम उठ नहीं पाते, क्योंकि वो झंझनाहट हमारे पैरों में हो रही होती है। हमें चलने में मुश्किल होती है धीरे धीरे, तो ये सिर्फ चलने में मुश्किल और झंझनाहट ही फील करवाता है, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जाती है ये दर्द फील करवाने लग जाता है। सबसे स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़े होते हैं वो चल रहे हैं, फिर ऐसे फील होता है आगे चलकर कि जैसे पिन लग रही है, फिर दर्द फील होता है। ये हाथों में, पैरों में, कोहनी में, कहीं भी नंबनेस हो सकती है। अब जानते हैं इसके कारणों के बारे में। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जब नंबनेस होती है हाथों में फील करते हैं, तो हम जब भी किसी चीज़ को उठाते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते। ये अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो नो प्रॉब्लम, अगर ये आपको रेगुलर या 3-4 दिन के बाद फेस करनी पड़ती है कभी। ये वैसे आपको ये चीज़ बता दूं कि ये चीज़ ज़्यादा फेस करनी पड़ती है लंबे टाइम तक बैठने के कारण यानी सीटिंग के कारण, और कभी कभी ये सो के उठते हैं तब ये फील करनी पड़ती है। अभी एक ही साइड पे हम सो रहे थे और ये झंझनाहट सी हमारे पैरों में हो रही है, कभी बाजू में हो रही है, ये चीज़ है। अब देखते हैं इसके कारणों के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन और कैल्शियम की कमी के कारण हाथों और पैरों का सुन्न होना होता है। हमारी बॉडी में आयरन यानी कि ब्लड का कम होना भी सुन्न होने का एक मेन रीज़न है। बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण भी हाथ पैर फिंगर्स का सुन्न होना होता है। दूसरा इसका रीज़न है ब्लड सर्कुलेशन का हमारी बॉडी में सही न होना, इसका सेकंड कारण है। और इसके साथ होता है नर्व सिस्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम चल रहा है, जो नसें चल रही हैं उनका कहीं ना कहीं दबाव हो जाना। मोस्टली ऐसे होता है कि जो लोग फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, उनको ये ज़्यादा होता है। लेकिन अब जैसे जैसे हम जो चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि मैदा हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसी कारण से ये जो नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम है, अब एज्ड या फिर ये कहें कि मोटे होने के कारण ही नहीं, पतले लोगों को और छोटी एज में भी हो रही है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कम से कम मैदा, वाइट ब्रेड नहीं खाएं, ताकि आपकी नर्व सिस्टम बेटर चलता रहे। वो दबे नहीं, नर्व्स दबे नहीं, नर्व के दबने के कारण ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में सही नहीं चल पाता। इस कारण से ये हमारे हाथों और पैरों का सुन्न होना हमें फेस करना पड़ता है। इसीलिए वाइट ब्रेड नहीं खाएं और मैदा, और कह सकते हैं भटूरे जो बनते हैं वो नहीं खाएं, उसमें ऑयल भी होता है और मैदा भी होता है। ये चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत ख़राब करती हैं। जिनको कुछ भी फेस नहीं हो रहा ये सुन्न होना, ये चीज़ें, उनकी बॉडी का सर्कुलेशन गर्म होता है और जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता है वो भी बेटर चलता रहता है, उनको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ लोग मोटे हो जाते हैं या फिर कुछ लोगों के अंदर इतनी विटामिन्स और कैल्शियम नहीं होते, इस कारण से वो सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है, और जो चाहे वो मोटा हो चाहे पतला हो, वैसे ये मोटे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। अब जानते हैं इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज के लिए हम क्या खाएं, नहाते टाइम क्या करें, अपने ब्लड को पतला करने के लिए क्या करें, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बेटर, एक तो नर्व सिस्टम का सही ना होना एक ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का पतला ना होने के कारण होता है, क्योंकि ब्लड हमारा होता है बहुत थिक हो जाता है और वो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं चल पाता। इस कारण से ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। और मसाज कैसे करनी है ये भी जानते हैं। क्या खाएं,
हमें विटामिन बी फूड खाना है। अगर हमारे हाथ पैर सुन्न होते हैं, अपने आहार में ढेर सारे विटामिन बी, बी सिक्स, बी ट्वेल्व शामिल करें। इनमें इनके कारण जो कमी होती है वो हमारे हाथों पैरों बाजुओं में सुन्न होना होता है। अपने आहार में अंडा, एवोकेडो, मीट, केला, बीन्स, बीन्स मतलब फलियाँ जो आती हैं वो ऐड करें। और स्पेशली आपको बता दूं कि मूंग साबुत होती है, वो डिनर में ज़रूर लें। डिनर में अगर आप मूंग साबुत लेते हो तो इसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी, विटामिन्स, प्रोटीन्स सब मिल जाएंगी। एक बात और, जिनके हेयर फॉल होता है वो स्पेशली मूंग दाल साबुत जो ग्रीन वाली होती है वो ज़रूर खाएं। इसके एक्स्ट्रा मछली, ओटमील, दूध, चीज़, दही, ड्राई फ्रूट, बीन्स और फल शामिल करें ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बेटर हो सके। इसके एक्स्ट्रा मैग्नीशियम, यानी कि जो चीज़ हमारे अंदर जल्दी से जल्दी वाला काम करे, थोड़ा हमारी बॉडी को गर्म करे, तो इसमें मच्छी, सोयाबीन, केला, डार्क चॉकलेट आती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो चॉकलेट को अवॉइड करें, चॉकलेट नहीं खानी, और लो फैट दही लें। इसके साथ हम इसका इलाज कैसे करें, तो एक गिलास दूध के अंदर एक चम्मच हल्दी डालकर उसे हीट करें 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने पर, गुनगुना होने पर पी लें। इसे रोजाना पीने से ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है, नर्व सिस्टम बेटर होता है। इसके एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, दालचीनी आप या फिर तो दूध वाली हल्दी वाला दूध पिए या फिर दालचीनी वाला। जो दालचीनी में केमिकल और न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे ब्लड के फ्लो को बहुत बेटर करते हैं। ये एक्सपर्ट का मानना है कि 2 से 4 ग्राम ही दालचीनी लेनी है, इससे ज़्यादा एक दिन में दालचीनी नहीं लेनी। एक बात मैं आपको बता दूं, दालचीनी का इससे ज़्यादा यूज़ करने से, ज़्यादा कंज्यूम करने से, ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी में और भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसीलिए इसे 2 से 4 ग्राम की क्वांटिटी में ही लें। जो प्रेग्नेंट और जो अपने बच्चों को फीड दे रही हैं लेडी, वो इसका सेवन दालचीनी का बिल्कुल नहीं करें। बाकी डायबिटीज़ पेशेंट इसका यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट इसका यूज़ करेंगे तो उनके ब्लड में शुगर का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल में आ जाएगा। इसको लेने का अच्छा तरीका है, एक गिलास पानी में डालकर भी आप एक चम्मच दालचीनी ले सकते हैं, थोड़ा पानी गर्म होना चाहिए। ये दिन में एक बार करना है। इसके अलावा आप एक चम्मच दालचीनी और उसके अंदर शहद मिक्स करके सुबह के टाइम कुछ दिन लेंगे तो ये सारा कुछ क्या काम कर रहा है, हमारे ब्लड के फ्लो को बेटर कर रहा है। जब हमारा ब्लड का फ्लो बेटर नहीं होता तो ये सुन्न होना हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये तो चीज़ आपने फेस करी होगी कि जब हम एक साइड पे बहुत टाइम तक लेटे रहते हैं, जिनको ये सुन्न होने की प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, वो उनका वो साइड सुन्न फील करते हैं वो, तो ये क्या हुआ, ब्लड का फ्लो उधर सही नहीं हो रहा। वो मोस्टली फेस करें कि उनको सिर दर्द भी ज़्यादा होगा जिनको ये सुन्न होने की प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि ये जो है कि हमारे सिर के अंदर ब्लड का फ्लो तो जिसके अंदर बिल्कुल सही है उसके अंदर ही ब्लड सिर के अंदर सही जा पाता है। जिनका सुन्न होने की प्रॉब्लम या फिर ब्लड का फ्लो बेटर नहीं होता उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उन लोगों को और जिनका सिर दर्द ज़्यादा होता है और जिनको ये नंबनेस की प्रॉब्लम है, सुन्न होने की प्रॉब्लम है, उन्हें अपने पैरों के नीचे तकिए लेकर ज़रूर सोना चाहिए, एक तकिया लेके सोना चाहिए ताकि उनके ब्लड का फ्लो है सिर के अंदर बेटर से जा सके। इसके बाद आती है नहाते टाइम क्या करना है। हमें नहाते टाइम अपने पानी में सेंधा नमक डालना है। एक बात और, जिनको नंबनेस नहीं है वो तो ज़रूरी नहीं है नमक डालें, वो तो नॉर्मल पानी से नहाते हैं, लेकिन जिनको नंबनेस की प्रॉब्लम है, वो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, सर्दियों में तो सभी गर्म पानी से ही नहाते हैं, लेकिन अगर सर्दियाँ नहीं तो गर्मियाँ हैं तब भी आपको ठंडे पानी से न नहाकर थोड़ा गुनगुने पानी से नहाना है और उसके अंदर सेंधा नमक ऐड करना है, फिर नहाना है।
ये आपको स्टीम बाथ मिलेगी, इससे आपका नर्व सिस्टम बेटर होने में मदद मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा गुनगुना पानी नहाते टाइम और उसके अंदर सेंधा नमक डालना है आपको एक चम्मच एक बकेट के अंदर। इसके बाद अपने खून को हम पतला कैसे कर सकते हैं, एक तो सुबह के टाइम एक कली गार्लिक लहसुन की लेकर हम अपने ब्लड को पतला कर सकते हैं। जो ऑलरेडी बीपी लो, मतलब जो ऑलरेडी बीपी लो या हाई वाली मेडिसिन ले रहे हैं वो गार्लिक नहीं लें, क्योंकि ये खून को पतला करती है और जो बीपी की मेडिसिन लेते हैं वो इसको और पतला कर देगी और इसी कारण से ब्लड को जो पतला होने की जो सिस्टम है और तेज़ हो जाएगा। इसीलिए जो बीपी की मेडिसिन लेते हैं वो गार्लिक का यूज़ नहीं करें। बाकी जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है और नर्व प्रॉब्लम है यानी कि नंबनेस की प्रॉब्लम है, वो गार्लिक एक कली सुबह चाहे क्रश करके चाहे पीस कर चाहे काट कर जैसे भी पानी के साथ लेने से खून पतला होता है और एक बात और खून साफ भी होता है। इसके बाद अगर आप ये करना चाहें, नहीं तो आंवला पाउडर एक चम्मच एक गिलास पानी में डालकर मॉर्निंग में लेंगे, तब भी ये खून पतला करने का काम करता है, हमारे ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेटर करता है। इसके बाद बात करते हैं मसाज की, जो सबसे मेन है। ये मैंने पहले वाली फर्स्ट पार्ट जो नंबनेस निकाला था उसमें भी बताई थी कि आपको किसी और तेल से मालिश नहीं करनी, किसी भी मसाज नहीं करनी, आपको सिर्फ तिल का तेल यूज़ करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इसकी तासीर गर्म ही रहती है, ठंडी नहीं होती। तासीर ये नहीं है कि तेल लगने के बाद वो ठंडा फील करेगा। एक बात और, जो तेल यूज़ करना है वो तिल का करेंगे, धूप में बैठकर ही मसाज करनी है ताकि जब जो ऑयल होगा आपकी बॉडी के ऊपर लगेगा तो वो सूरज की हीट से गर्म हो, बल्कि रूम में बैठ के ठंडा नहीं हो। ऐसे मसाज करने से हल्के हाथों से करनी है, बड़े ही सॉफ्ट हाथों से करनी है ताकि नर्व है जो वो खुलें, बजाय उसके बहुत दबाने से, बहुत दबा के मसाज नहीं करनी, बहुत सॉफ्टली करनी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो तिल का तेल है आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपकी नर्व को गर्म करे, ब्लड का सर्कुलेशन बेटर करे, बस। बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी, हल्के हाथों से सिर्फ जो ऑयल है उसको अंदर ऑब्जर्व करवाना है। उसके बाद आता है व्यायाम कौन सा करना है आपको। एक तो हाथों को हिलाना यानी मुट्ठियों को हिलाना, राइट साइड लेफ्ट साइड, हाथों को खोल कर सीधा करके आपको धक्का लगाते हैं जैसे अपने हाथों को, वैसे करना और अपनी तरफ दोबारा खींचना कलाई तक, बाकी हाथ खुले रहने चाहिए। उसके बाद अपने पैरों को भी आपने ऐसे ही करना है, पैरों को बाहर की तरफ खींचना, धक्का लगाना है, बाद में खींचना है लेफ्ट साइड राइट साइड, चाहे आपके एक हाथ में चाहे आपके दूसरे हाथ में, चाहे आपके एक पैर में चाहे आपके दूसरे पैर में, जैसे भी नंबनेस होती हो आपने जो ऑयल अप्लाई करना है वो सारे के सारे पैरों और हाथों पे करना है ताकि बॉडी का नर्व सिस्टम कम्प्लीटली बेटर हो सके। ये नहीं कि सिर्फ उसी हाथ उसी पैर का करना है। इसके बाद आपको जो व्यायाम करना है वो अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हम सांस लेते हैं उसके कारण हमारी जो नर्व सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहे, बेटर चलता रहे। स्टार्टिंग में जिनको ये प्रॉब्लम है वो 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को खाली पेट अनुलोम विलोम करें। एक महीना ऐसे करने के बाद आप इसका टाइमिंग कम कर दें, जब आपको रिजल्ट मिल जाए तब आप इसको 15 मिनट करें और 15 मिनट अगला महीना करने के बाद जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जो टाइमिंग लेता है ठीक होने की, 1 से 1.5 महीने का टाइमिंग लेता है और इसको जब ठीक हो जाए तब आपकी मर्ज़ी है कि आपने करना है या नहीं। अगर आपने हेल्थ ही रहना है, नर्व सिस्टम बेटर ही रखना है तो ऐसे ही करते रहें, क्योंकि कुछ लोगों का ब्लड ऐसे होता है कि अगर वो वर्कआउट नहीं करते तो उनका ब्लड दोबारा जमने लगता है। इसीलिए आप जो ये मैंने ट्रीटमेंट बताया है ये बहुत नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको फॉलो करें और हेल्थी रहें। ये थी इन्फॉर्मेशन ब्लड का सर्कुलेशन बेटर करने की और नंबनेस से आज़ादी पाने की।
ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस बीमारी से बच सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।